नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भाटपार रानी। दोस्तों, पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आने वाले मऊ सनावद खंडवा बड़ी रेल लाइन परियोजना के बारे में उससे जुड़ी हुई लेटेस्ट जानकारी को समझते हैं। दोस्तों, ये मीटर गेज रेल लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने की योजना यहाँ काफ़ी लंबे समय से विचाराधीन थी, परंतु किन्हीं कारणवश बात बन नहीं पा रही थी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन वाली घंटी को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, हाल फिलहाल में परियोजना के तहत कई बार सर्वे कराया गया। हाल ही में फाइनल सर्वे कंप्लीट हुआ है, जिसका रिपोर्ट आना अभी बाकी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रतनाब मंडल मऊ से सनावद रेलखंड को दो हिस्सों में बनाया जा रहा है। पहला हिस्सा मऊ से मुख्तियार बलवाड़ा तक तथा दूसरा मुख्तियारा बलवाड़ा से सनावद के बीच का है। छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तन करने के लिए तीसरी बार सर्वे हुआ है। इस बार पटरियों का ग्रेडियंट यानी ढलान देने को लेकर सर्वे हुआ है, ताकि ट्रेनों की चढ़ाई को कम किया जा सके। पिछली बार 100 मीटर पर 1 सेमी ग्रेडियंट लिया था, जबकि इस बार के सर्वे में 150 मीटर पर 1 सेमी ग्रेडियंट किया जा रहा है। पटरियों को ढलान देने का कार्य चोरल से मुख्तियारा बलवाड़ा के बीच होगा, क्योंकि घाट सेक्शन इन्हीं दोनों रेलवे स्टेशन के बीच में है। बता दें कि भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि चिन्हित की जा चुकी है, हालांकि हाल ही में हुए सर्वे के मुताबिक और भूमि बढ़ने की संभावना है। इस रेल परियोजना के ब्रॉडगेज होने से ये होंगे बड़े बदलाव, जिसे समझते हैं इन खास बातों से। पहले की तुलना में मऊ से मुख्तियारा बलवाड़ा के बीच दूरी जो 38 किलोमीटर की थी, जो हाल फिलहाल के सर्वे होने के मुताबिक 14 किलोमीटर से ज़्यादा बढ़ाकर 54 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी। पहाड़ी इलाके को ध्यान में रखते हुए चढ़ाई को कम किया गया है, जिसके चलते ट्रेनों की गति में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होगी, जिसके चलते यात्री ट्रेनों की समय में बचत होगी तथा इसके साथ ही मालगाड़ियों को दूसरे इंजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जैसे ही इस परियोजना से जुड़ी हुई कोई बड़ी अपडेट सामने आती है, हम आपको अवगत कराएंगे। दोस्तों, आपको ये परियोजना कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगली जानकारी अगले वीडियो में। किसी और परियोजना तथा जानकारियों को जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका हर कमेंट हमें महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हर हर महादेव।